कुढ़नी उपचुनाव 2022 को लेकर बयानबाजी का सिलसिला जारी है और आज इसी क्रम में बीजेपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने एक बार फिर चुनाव को लेकर सीएम नीतीश पर गंभीर आरोप लगाया। मुजफ्फरपुर पहुंचे प्रदेश के अध्यक्ष और ने सीएम नीतीश पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो कुढ़नी क्षेत्र के सभी सरकारी कर्मचारी और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मियों पर दबाव बना रहे हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का दावा है। और माननीय नीतीश कुमार जी के राज में जनतांत्रिक संस्थाओं को समाप्त करने का काम किया जा रहा है। आज अखबार के सुर्खियों में है कि विधान परिषद के सभापति घूम करके चुनाव में वोट मांग रहे हैं। किसी भी जनतंत्र के लिए इससे दुखद बात और कुछ नहीं हो सकती है कि विधानसभा और विधान परिषद का जो सभापति और अध्यक्ष होते हैं, जरूर वह राजनीतिक पार्टी से आते हैं, लेकिन एक बार वह अपना पदभार ग्रहण करने के बाद वह गैर राजनीतिक हो जाते हैं। पहली बार यह देखने को मिल रहा है कि विधान परिषद के सभापति, और मैं भी उनकी काफ़ी इज्जत करता हूँ, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, तो जाहिर बात है कि यह नीतीश कुमार जी के प्रभाव में या नीतीश कुमार जी के प्रेशर का नतीजा है, या जिसके कारण से विधान परिषद के सभापति अगर चुनाव में वोट मांगेंगे तो जनतंत्र के लिए इससे दुखद बात और बिहार के लिए इससे शर्मनाक बात कुछ भी नहीं हो सकती। मैं घूम रहा हूँ कुर्जी में, लगातार इस बात की सूचना भी मुझे मिल रही है कि नीतीश कुमार जी अपने अफसरों के द्वारा कहीं पर टोला सेवकों पर, विकास मित्र पर, अन्य इस तरह के जो बेचारे संविधान आधारित कर्मी हैं, उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि आपको जदयू के लिए वोट देना है और दिलवाना है। यह स्थिति बहुत ही शर्मनाक है। वादा यह हुआ था कि बिहार में जब महागठबंधन की सरकार आएगी तो सभी संविदा कर्मियों को परमानेंट रोज सरकारी नौकरी मिलेगी, और आज जब सरकार बन चुकी है महागठबंधन की, तब संविदा कर्मी जो हमारे टोलों में रहते हैं, जो कृषि समन्वयक रहते हैं, उनको परमानेंट स्थायी नौकरी के बदले उन पर इस तरह का दबाव दे करके सरकारी एजेंट के रूप में काम कराना बहुत ही दुखद है। हम इस बात की सूचना और शिकायत दोनों चुनाव आयोग से करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी साजिश करके यह जरूर किए कि वह राजद से समझा करके और साजिश करके जदयू में टिकट लाने में तो सफल हो गए, लेकिन कुढ़नी की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रति इतने ज्यादा मतों से जिताएगी कि यह अपने आप में एक इतिहास बनेगा। चुकी हुई पार्टी और चुका हुआ उम्मीदवार से कुढ़नी की जनता त्रस्त है। जिस प्रकार मनोज कुशवाहा जी का कार्यकाल विधायक के रूप में रहा है, उससे कोई भी जनता कितना भी नीतीश जी प्रयास कर लें और कितना भी वो संवैधानिक संस्था और सरकारी नौकरों का दुरुपयोग कर लें, हर हालत में केदार गुप्ता ही। कि सीएम नीतीश कॉन्ट्रैक्ट और बेसिक पर काम करने वाले कर्मियों पर जदयू को वोट देने और अन्य लोगों को वोट दिलाने के लिए दबाव बना रहे हैं।